टीवी इंडस्ट्री ने खोया एक उभरते सितारे को। दिव्या भटनागर महज 33 साल की उम्र में सबको छोड़कर चली गई। आज दिव्या भटनागर की लाइफ से जुड़ी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब दिव्या भटनागर ने चोरी चुपके की सगाई, क्यों दिव्या भटनागर को एक बड़े घर से शिफ्ट होना पड़ा एक छोटे घर में, और कैसे अपनी पहली ही मैरिज एनिवर्सरी से पहले दिव्या भटनागर की डेथ हो गई। दिव्या की फैमिली में उनकी मॉम डॉली, उनके पिता जो कि एक रॉ ऑफिसर थे, उनका नाम था विनय कुमार भटनागर। 2017 में उनके पिता के साथ एक हादसा हो गया, तब जब वो एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बस में जा रहे थे, किसी ने उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और उन्हें लूटने की कोशिश की। इस हादसे के कुछ समय बाद दिव्या के पिता की डेथ हो गई थी। दिव्या अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपने पिता को लेकर पोस्ट किया करती थी। इसके अलावा दिव्या का एक छोटा भाई भी है। दिव्या भटनागर टीवी का एक पॉपुलर चेहरा है, लेकिन उससे पहले वो दिल्ली की एक आम लड़की थी। दिल्ली के विद्या भवन स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। अपने स्कूल टाइम में दिव्या कल्चरल एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट किया करती थी और वो एक ट्रेंड डांसर भी है। कॉलेज के दौरान एक प्ले का हिस्सा दिव्या भटनागर जिस वक्त थी, तब एनएसडी के एक स्टूडेंट ने दिव्या भटनागर को नोटिस किया और तब उन्होंने एनएसडी के प्ले में दिव्या को काम करने का ऑफर दिया। दिव्या ने तब वो काम किया और वहीं से एक्टिंग की तरफ उनका रुझान शुरू हो गया और यही इंटरेस्ट उन्हें दिल्ली से मुंबई खींच लाया। मुंबई आकर दिव्या भटनागर ने इनिशियली तो बॉलीवुड फिल्मों में ट्राई किया था। उन्होंने 99 और सपने साकार करो जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे जब लेस इंपॉर्टेंट रोल्स मिलने लगे और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने टीवी का रुख किया और ये रुख उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। शुरुआत में ही दिव्या भटनागर को एक बहुत अच्छे सीरियल में काम मिला। ये सीरियल टॉप TRPs बटोर रहा था। ये सीरियल था ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिस टीवी सीरियल ने 1500 एपिसोड्स काम किए और यहीं से दिव्या भटनागर टीवी का एक फैमिलियर चेहरा हो गई, क्योंकि ये सीरियल और उसके हर एक किरदार से लोग काफी कनेक्टेड थे। इस सीरियल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस से उन्हें एंडमॉल के साथ एक नए सीरियल में काम मिला। ये सीरियल था गीत हुई सबसे पराई और यहाँ से दिव्या भटनागर टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम हो गई। ना सिर्फ वो टीवी सीरियल्स में अच्छे किरदार निभाती थी, बल्कि अपने अच्छे स्वभाव के लिए भी वो टीवी इंडस्ट्री में कई सारे लोगों की चहेती थी। उन्होंने श्रीमान श्रीमती फिर से, सेठ जी और तेरा यार हूं मैं, जो सीरियल वो हाल ही में कर रही थी जिसके सेट पर उनकी तबीयत खराब हुई, इतना सारा काम दिव्या भटनागर इस वक्त कर रही थी। इनफैक्ट अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो दिव्या वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर थी और जब तक टिकटॉक इंडिया में चालू था तब दिव्या टिकटॉक पर एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी। दिव्या भटनागर जहां प्रोफेशनली सेटल्ड थी, सिक्योर थी, अच्छा कमा रही थी, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ तब से प्रॉब्लम में आ गई जब से उनकी जिंदगी में आया एक लाइन प्रोड्यूसर सेलिब्रिटी मैनेजर गगन। 2015 से दिव्या भटनागर गगन को डेट करने लगी और तभी उन्होंने सगाई भी कर ली। हालांकि ये सगाई दिव्या और गगन दोनों के परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ हुई। दोनों ने चुपके से इस सगाई को कर लिया और किसी को बताया नहीं। ये एक सीक्रेट एंगेजमेंट थी और यहीं से इनकी डेटिंग शुरू हो गई। दिव्या के भाई की माने तो दिव्या अच्छा खासा कमाती थी, वहीं गगन इतना अर्न नहीं करता था, वो कुछ काम धाम नहीं करता था। इनफैक्ट दिव्या की मॉम ने भी इस बात का खुलासा किया जिस वक्त दिव्या हॉस्पिटल में थी कि पहले दिव्या मीरा रोड में एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन पता नहीं इतने सालों में क्या हुआ कि वो ओशिवारा के एक छोटे से घर में आकर रहने लगी। क्योंकि फैमिली इस शादी के खिलाफ थी, इसलिए फैमिली से दिव्या की थोड़ी दूरियां हो गई थी। लेकिन दिव्या को गगन से इतना प्यार था कि उन्हें फैमिली की भी कभी याद नहीं आई और गगन के साथ ही उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी जीने का विचार बना लिया। यही कारण है कि 2015 से लेकर 2019 तक उन्होंने गगन को डेट किया और 22 दिसंबर 2019 में उन्होंने गगन के साथ साथ फेरे ले लिए, जन्मों जन्मों की कस्में खा ली। लेकिन शादी के बाद इस लॉकडाउन के दौरान
परिस्थितियां बदलने लगी। इन बदली परिस्थितियों का खुलासा तब हुआ जब दिव्या की तबीयत अचानक से खराब हुई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ आई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया उनके पति ने नहीं बल्कि उनके दोस्तों ने, और तब पता चला कि दिव्या को सीवियर निमोनिया है। उन्हें ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी और कोविड टेस्ट जब करवाया गया तो वो पॉजिटिव आया। दिव्या के पेरेंट्स जो कि दिल्ली में रहते हैं उन्हें इन्फॉर्म किया गया, दोस्तों ने बताया, और तभी दिव्या की मॉम दिल्ली से मुंबई आ गई उनके भाई को लेकर। मुंबई में अंधेरी सेवन हिल्स हॉस्पिटल में दिव्या एडमिट थी और वहीं पर उनकी मॉम उनकी देखरेख कर रही थी। और ऐसे में जब ये सवाल सामने आए कि मॉम को दिल्ली से मुंबई आना पड़ा तो वो लड़का कहाँ है जिसके साथ पिछले 5 सालों से दिव्या रह रही थी, गगन जिससे दिव्या ने शादी की थी पिछले साल, वो क्यों नहीं है, क्यों मम्मी पापा को आना पड़ा, तब पता चला कि गगन ने दिव्या के साथ फ्रॉड किया। वो दिव्या को छोड़कर चला गया था और दिव्या की मॉम ने यह आरोप लगाया है कि गगन दिव्या के घर से अपना सारा सामान लेकर निकल गया है। दिव्या की मॉम ने कहा कि गगन एक सही लड़का नहीं है, उन्होंने दिव्या को बीमारी की हालत में अकेला छोड़ दिया और ससुराल वालों ने भी कुछ पूछा नहीं, बस इतना कहा कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो हमसे ले लेना। 26 नवंबर से दिव्या आईसीयू में एडमिट थी, वो वेंटिलेटर पर थी, होश में भी नहीं थी। और ऐसे में दिव्या के भाई ने आरोप लगाया है कि गगन बार बार दिव्या को वीडियो कॉल करके बात करने की कोशिश करता था। दिव्या के भाई ने कहा कि गगन का इसके पीछे मोटिव ये था कि वो बस दिव्या को वीडियो कॉल करके उनकी रिकॉर्डिंग लेना चाहता था ताकि ये बता पाए कि उसे दिव्या की चिंता थी, वो दिव्या से मिलना चाहता था लेकिन दिव्या के परिवार वाले उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब दिव्या की मॉम ने ये खुलासा किया कि अब बहुत हो गया, सच्चाई बाहर आनी ही चाहिए, और उन्होंने बताया कि किस तरह से गगन ने, जो कि एक लाइन प्रोड्यूसर है, उसने दिव्या के साथ फ्रॉड किया, तब गगन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें गगन ने कहा, पिछले कुछ दिनों में मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि मैं भाग गया हूं, मैंने धोखा दिया है, मैं फ्रॉड हूं, मेरी मॉम ने ये कहा है, उन्होंने ये सारे एलिगेशंस को झूठ बताया। गगन ने बताया कि वो दिव्या के पास इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो मुंबई के बाहर थे, उनका काम प्रोडक्शन का है, ये ऐसी जॉब है जिसमें ट्रैवल करना पड़ता है, और जहां तक बात है दिव्या के पास नहीं आने की उनके बीमार होने के बावजूद, तो इस पर गगन ने कहा कि वो ऐसी जगह पर शूट कर रहे थे जहां पर नेटवर्क ही नहीं था, इसीलिए दिव्या से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। और उसके बाद दिव्या के फ्रेंड्स ने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया। गगन ने यह भी कहा कि दिव्या उनकी मॉम के साथ पूरी तरीके से कांटेक्ट में थी, लेकिन दिव्या की मॉम की कहानी इससे बिल्कुल परे है। खैर, कहानी जो भी हो, लेकिन इस पूरी कहानी में दिव्या का क्या? दिव्या जिसने 1 साल पहले शादी की थी और कुछ ही दिनों में उनकी शादी की पहली सालगिरह थी, उससे पहले ही इस दुनिया से चल बसी। डॉक्टर्स ने बताया कि दिव्या को हाइपरटेंशन था, उसके बाद वो कोविड से भी ग्रस्त थी और निमोनिया के कारण वो सांस ठीक से नहीं ले पा रही थी। ऐसे में उन्हें अटैक आया जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। जब इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। कोई एक्टर जो इतना टैलेंटेड है, अपने पैरों पर खड़ा है, अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो खुद ने चूज किया है, लेकिन किसी और के कारण कोई धोखा खा जाता है या रिश्ते में कुछ भी गलत फहमियों के कारण प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से टेंशन, बीमारियां, ये सब लग जाती है। क्या कहें इस चीज को, क्या जो एक्टर्स होते हैं वो ऐसे अपने काम को लेकर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन क्या रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं? क्या ये टूटे हुए रिश्ते उन्हें तोड़ देते हैं? क्या है सच्चाई इस फील्ड की, आपको क्या लगता है? क्यों अक्सर लोगों को हमने देखा है कि जैसे ही किसी रिश्ते में ब्रेकअप हुआ या रिश्ते खराब हुए तो उस एक्टर के करियर पर, उसकी पर्सनल लाइफ पर उसका ज़बरदस्त असर होता है? और क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से संभलने के लिए, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।